हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ पोहा नमकीन, या इसे चिवड़ा नमकीन भी बोला जाता है। बहुत ही बनाना आसान है। इसे बनाने के लिए मोटा वाला जो पोहा होता है उसे मैंने 2 कटोरी ले लिया है। एक कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। इस तरीके से कोई भी छन्नी आप ले लीजिए आटा छानने वाला, और इसमें पोहा डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पोहा को ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक बार में ही पूरा पोहा ना डालें। 2 कटोरी पोहा को मैंने 4 बार में फ्राई किया था। इस तरीके से चारों तरफ चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें, ताकि नीचे का पोहा जले नहीं और ऊपर का पोहा कच्चा ना रहे। तो पोहा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे किसी बड़े बर्तन में, ताकि मिक्स करने में हमें आसानी हो। जब पोहा को निकालें तो थोड़ी देर छन्नी को ऊपर इस तरीके से ऊपर की तरफ रखने से सारा तेल जो है वो निकल जाएगा। अब हम सभी पोहा को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब भी मार्केट से पोहा लेकर आएं तो पहले इसे साफ करके ही इस्तेमाल करें। और पोहा फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम फ्राई करेंगे मूंगफली के दाने को। आधा कटोरी मैंने मूंगफली के दाने को लिया है और इसे भी फ्राई कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम रखना है, और जब मूंगफली चटकने लगे तो उसके तुरंत ही बाद इसे निकाल लें, क्योंकि मूंगफली अपने हीट में भी थोड़ी देर पकता है। अगर ज़्यादा आप उसे फ्राई कर देंगे तो हो सकता है वो जल जाए, तो खाने में उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चने की दाल को फ्राई कर लेते हैं, जिसे मैंने भिगो के इसका सारा पानी सुखा के मैंने रखा था। चने की दाल को जब हम भिगोते हैं तो अपने से डबल आकार की हो जाती है, और जब फ्राई करते हैं तो सेम आकार में आ जाती है। तो इसे जब फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये पहले जैसे हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब हम फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे काजू बादाम, इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे किशमिश, मखाना और नारियल भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ काजू बादाम का इस्तेमाल किया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे भी फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्ची को थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना है, क्योंकि अगर ये सॉफ़्ट रहेगा तो हो सकता है कि आपके जो पोहे हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाएं, इसमें मिलाएं तो उसे सॉफ़्ट कर देगा ये। तो इस बात का ध्यान रखें कि मिर्ची को अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहो तो यहाँ पे लाल मिर्ची को भी फ्राई करके डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब सभी जो भी हमने फ्राई किया था उसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। मूँगफली के दाने, चने के दाल, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, काजू बादाम, सिंपल नमक, काला नमक, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी डाली है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम पोहे में मिक्स कर लेंगे। ये घर का बना हुआ मिलावट का बिना आप घर पे बनाइए, और बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो हेल्दी होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आप इसे घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी भी बनता है, चटपटे होते हैं। हेल्दी एंड चटपटी नमकीन। आप अपने बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखें, और ऐसे चीज़ें मार्केट से लाने से अच्छा है आप घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। इसे आप चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में इसे खा सकते हैं। इसे रखिए किसी एयर टाइट कंटेनर जार में, ताकि ये ख़राब ना हो, और आप इसे 10 से 15 दिन आराम से रख के खा सकते हैं।